आज मैं आपको व्याकरण सृष्टि से पाठ 3 उच्चारण और वर्तनी बताएंगे। बच्चों, मुख से अक्षरों का बोलना, जो हम अक्षर बोलते हैं उसी को उच्चारण कहते हैं, यानी मुख से चार अक्षरों का बोलना ही उच्चारण कहलाता है। सभी वर्णों के लिए मुख में उच्चारण स्थान होते हैं। यदि वर्णों का उच्चारण शुद्ध रूप से नहीं किया जाए तो लिखने में भी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। अतः हिंदी को बेटा जैसे बोलोगे वैसा ही लिखोगे, यानी आप शुद्ध उच्चारण करेंगे तो शुद्ध लिखेंगे और अशुद्ध लिखें बोलेंगे तो अशुद्ध ही लिखेंगे। जैसे आपके इसमें छोटा और बड़ा से संबंधित शुद्ध और अशुद्ध उच्चारण दिया हुआ है, इसको आप समझ सकते हो। जैसे दिया है कि अदान, तो अदान शब्द जो है वो अशुद्ध है, अदान नहीं होता, आदान होता है। ऐसे व्यवसायिक, व्यवसायिक भी शुद्ध नहीं है, व्यावसायिक, ये शुद्ध उच्चारण है। इसी प्रकार ई और बड़ी की जो संबंधित गलतियां आती हैं आप लोग में, मात्राओं में गलतियां करते हो, ऐसे ही है कुमुदनी, कुमुदनी नहीं होता, कुमुदिनी होता है, द में छोटी की मात्रा, कुमुदिनी। अतिथि में भी थ में बड़ी की मात्रा नहीं होगी, में छोटी की मात्रा होगी, अतिथि। इसी प्रकार परीक्षा लिखने में भी आप गलती करते हो, परीक्षा, परीक्षा, तो आप लिखते हो परीक्षा, परीक्षा नहीं होता, परीक्षा। इसी प्रकार श्रीमती, श्रीमती में त में बड़ी की मात्रा होगी। गृहिणी, गृहिणी अशुद्ध उच्चारण है, गृहिणी होता है। ऐसे ही छोटा और बड़ा ऊ में वधु, वधु नहीं होता, वधु होता है। इसी तरह दूसरा, दूसरा नहीं, दूसरा होता है, ये शुद्ध है। ऐसे ही आपके ए और एस संबंधित गलतियां करते हो, नैन, नैन अशुद्ध शब्द है, नयन शुद्ध शब्द है। इसी प्रकार शयन, शयन भी अशुद्ध है, शयन होता है। चैन, चैन अशुद्ध शब्द है, चैन होता है। ओ और औ से संबंधित अशुद्धियाँ, त्यौ, त्यौहार आप बोलते हो, त्यौहार नहीं होता, त्यौहार होता है, या में औ की मात्रा नहीं, ओ की मात्रा होगी। ऐसे ओसन, पड़ाव नहीं होता, पड़ोसन होता है। बार अनुनासिक संबंधित गलतियां भी करते हो, जैसे दुनिया, तो या के ऊपर चंद्रबिंदी नहीं होगी, दुनिया होगा। ऐसी चांदनी, च में अंक बिंदी नहीं होगी, चंद्रबिंदी होगी, चांदनी। इसी प्रकार र संबंधित अशुद्धियां, जैसे टोकड़ी, टोकड़ी नहीं होता, टोकरी होता है। विरलाप, विरलाप नहीं होता, विलाप होता है। आशीर्वाद, आशीर्वाद में जो आप श के ऊपर आर की मात्रा लगाते हो, वह श के ऊपर आर की मात्रा ना लगकर व के ऊपर आर की मात्रा होगी, आशीर, क्योंकि श के बाद र हम बोल रहे हैं, तो व के ऊपर आर की मात्रा होगी, आशीर्वाद। ऐसी देखो दुर्दशा, तो दुर्दशा में दु, फिर र हम बोल रहे हैं, फिर द बोल रहे हैं और शा, तो एक द शा के ऊपर आर की मात्रा नहीं होगी, जो बीच में द लिखा है उस पे आर की मात्रा होगी, दुर्दशा। श, श, स संबंधित भी अशुद्धियां करते हो, जैसे प्रसाद को प्रसाद बोलते हो जबकि प्रसाद होता है, विकास को विकास बोलते हो तुम लोग,
जबकि इसमें श शिटी वाला नहीं होगा, सरौते वाला श होगा। राष्ट्र में भी षटकोण वाला श होगा। अशोक बोलते हो, अशोक लिखा जाता है। तो इस प्रकार जब आप शुद्ध बोलोगे, शुद्ध उच्चारण करोगे, तो शुद्ध लिखोगे भी। इसी प्रकार मुख से रिपीट करते हैं, मुख से अक्षरों का बोलना उच्चारण कहलाता है। यदि वर्णों का उच्चारण शुद्ध नहीं किया जाएगा तो लिखने में भी अशुद्धियां हो जाएंगी। हिंदी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है, इसको याद रखना। फिर आपके एक्सरसाइज बच्चों अब आते हैं। एक्सरसाइज में आपको शुद्ध और अशुद्ध दो ऑप्शन दिए हैं, आपको उसमें से छांट कर लिखना है। जैसे तुम अवनीश से डैश है क्यों करते हो, तो ईर्ष्या लिखा है और ईर्ष्या लिखा है, तो ईर्ष्या होगा। इसी प्रकार आशा रमेश की पत्नी पत्नी, इन दोनों में जो तुमको शुद्ध लगेगा वो करिएगा। जल हमारे जीवन का डैश है, आधार आधार। अब आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा इसमें शुद्ध कौन है और अशुद्ध कौन है। मेरे फिर डैश में एक लड़का रहता है, पड़ोस पड़ोस। इस मामले में वह डैश निरपराधी या निरपराध, जो सही हो वो भरिएगा। इस मामले में वह निरपराध है। कल डैश बजे हमें घर जाना है, तो छह विसर्ग लगा है, ये सही होगा या छह, ये आप शुद्ध करके ये होमवर्क है करिएगा। इसी प्रकार ख है विभिन्न शब्दों के शुद्ध रूप लिखने हैं, ये आपको दिया है, ये आपको करना है। प्रश्न ए पहला करना है आपको, ग में उच्चारण से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा मुख से अक्षरों का बोलना उच्चारण कहलाता है। तो ये कर लीजिएगा बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।